और खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर नेपाल के राष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ गई है, तो फिलहाल इलाज के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया है। दिल्ली के एम्स में राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल को भर्ती कराया गया है। बता दें कि ऑक्सीजन लेवल में गिरावट उनकी आ रही थी लगातार, और इसी के बाद फैसला दिल्ली लाया गया। एम्स में उन्हें फिलहाल एडमिट किया गया है और ये बताया जा रहा है कि एक महीने में ये दूसरी बार है जब राष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से सामने आ रही है जहां पर नेपाल के राष्ट्रपति की तबीयत अचानक बिगड़ी है। रामचंद्र पोडेल जिनको ऑक्सीजन में कमी बताई जा रही है, ऑक्सीजन लेवल जो है उनका कम आया है, और ऐसे में तबीयत नासाज होने के बाद उन्हें सीधे दिल्ली के एम्स लाया गया है। एम्स में उन्हें शिफ्ट किया गया है, भर्ती किया गया है, और जानकारी यहां पर यह भी मिल रही है कि ये दूसरी बार है, एक महीने के भीतर ये दूसरी बार है जब इस तरह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी हो। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति को जब दिल्ली लाया जा रहा था, एम्स लाया जा रहा था, उस वक्त का काफिला, कितने काफिलों के साथ उनको दिल्ली यहां पर लाया गया। तो दिल्ली का जाना माना हॉस्पिटल एम्स, जहां पर फिलहाल नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल को लाया गया है। तबीयत अचानक बिगड़ी है, ऑक्सीजन लेवल में कमी बताई गई, और इसी के बाद उन्हें सीधे दिल्ली के एम्स लाया गया है। तो एक महीने के भीतर ये दूसरी बार मामला सामने आया है जब इस तरह से राष्ट्रपति की तबीयत अचानक बिगड़ी है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम की निगरानी में राष्ट्रपति नेपाल के, और लगातार दुरुस्त करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और गजेंद्र सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। गजेंद्र, अभी फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, अभी की बात की जाए तो जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं उनको एम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका जो ऑक्सीजन लेवल है उसमें कमी बताई जा रही है, लेकिन लगातार जो डॉक्टर हैं वो उनकी देखरेख में लगे हुए हैं। और अगर बात कर ली जाए तो इससे पहले भी जो नेपाल के राष्ट्रपति है रामचंद्र, इनको यही भारत में ही इनका इलाज कराया गया था, और एक बार फिर से इनको एम्स में भर्ती कराया गया है जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा इनका कम बताया जा रहा है। ऑक्सीजन स्तर में गिरावट के बाद जो नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं एक स्थानीय अस्पताल में, वहां पे उनको पहले पोंडेल को वहां पे स्थानीय में भर्ती कराया गया था। हालांकि 15 दिनों तक एंटीबायोटिक लेने के बावजूद उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं हुआ था। गजेंद्र, ये जानना चाहेंगे कि तबीयत कब अचानक बिगड़ी और कितने वक्त बाद उन्हें दिल्ली लाया गया, और जब पहले भी शिकायत थी यहाँ पर उनकी तबीयत सही नहीं थी, उस दौरान क्या दिक्कतें आई थी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात कर ले तो इससे पहले भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन अभी फिलहाल 15 दिन से देखा जा रहा है कि उनकी जो तबीयत है उसमें सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और वहीं उनको अगर इमरजेंसी के चलते उनको एयरलिफ्ट किया गया और फिर एयरलिफ्ट करके उनको दिल्ली एम्स में भर्ती गया कराया गया। अभी कुछ डॉक्टरों की तरफ से यहाँ पर रिव्यू दिया गया हो, बुलेटिन जारी किया गया हो उनके स्वास्थ्य को लेकर? अभी लगातार एम्स की तरफ से कहना है कि फिलहाल जो स्थिति है वो वैसी ही बनी हुई है, और जो डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार उनकी निगरानी कर रही है, साथ ही उनके जो लगातार उनके जो उपचार हैं और लगातार उनके जो जितने भी टेस्ट होने हैं उनके ऊपर लगातार नजर बनी हुई है, और लगातार ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से उनकी और जल्द से जल्द सुधार किया जा सके। वो सारी चीजें अभी जो टेस्ट पूरे किए जाएंगे उन टेस्ट को देखते हुए डॉक्टर आगे उनकी जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। चलिए, धन्यवाद आपका गजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गजेंद्र, जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि पहले से ही उनकी तबीयत काफी खराब थी और एंटीबायोटिक में चल रहे थे, लगातार निगरानी उनकी हेल्थ को लेकर बनाई जा रही थी, लेकिन कोई सुधार नहीं, और फिर अचानक से जब उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरा तो फौरन फैसला लिया गया कि उन्हें दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया जाए, एयरलिफ्ट किया गया, और उसके बाद अब दिल्ली के एम्स में वो भर्ती है। फिलहाल डॉक्टर कह रहे हैं स्थिति कंट्रोल में है, और अभी जो है आगे इलाज चल रहा है, और उसके बाद ही आगे कुछ और अपडेट इस पूरे मामले को लेकर मिल पाएगी।
तो बड़ी खबर दिल्ली को लेकर, राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल नेपाल के, जिनका ऑक्सीजन लेवल गिरा और उसके बाद दिल्ली सीधे उन्हें लाया गया।